तो ये इस तरह से टूटेगा, बराबर टूट गया। ये सिंपल में टूटना चाहिए, बेस को मारना है। अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर प्रेशर होता है, क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर होता है तो हमको कैसे मारना है, पहले हमको इसको सील को तोड़ना है। अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने सील को तोड़ा, उसके बाद में पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को हम निकालेंगे, बराबर। हाँ, निकालने के बाद उसको एम करेंगे, क्या करेंगे? एम द बेस ऑफ फायर। अभी हम मैं खड़ा कहाँ पे रहूँगा, अभी आप धुआं देख रहे हो कहाँ पे जा रहा है, आगे जा रहा है, बराबर। अगर धुआं मेरे पास आता है तो यानी हवा की दिशा को देख के ही हमको फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ में खड़ा रहना है, फायर एक्सटिंग्विशर लेके। अभी हवा की दिशा आपके तरफ जा रही है, बराबर। मैं क्या करूँगा, मैं इस तरफ से आऊँगा और कम से कम 5 फुट की दूरी रखूँगा, और इसको इस तरह से देख सकते हो आप लोग, मेरा पैर आगे है और राइट पैर मेरा पीछे है, उसी तरफ से मैं देखूँगा। अभी देखो हवा की दिशा ज़्यादा है, ये मैंने बुझा दिया, बराबर, बुझ गई। कौन बताएगा, बोलो। यस ये सी यू आर यू टी वाई, आर आई टी वाई, सुरक्षा रक्षक, सिक्योरिटी, बराबर। ऐसे होता है सुरक्षा रक्षक, हम लोग क्या है, एक सुरक्षा रक्षक है, सिक्योरिटी गार्ड है। सुरक्षा रक्षक का काम जान की रक्षा करना, इस परिसर की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना, समझ गए सब लोग? Yes, ये हमारा काम रहेगा। अब ये बता दो, ये क्या है? ब्रांच पाइप, नोजल बोलते हैं, ब्रांच पाइप बोलते हैं। उसके बाद में आपने जो हाथ में पकड़ा उसको फीमेल कपलिंग, बराबर, ठीक है, हाँ पकड़ लो और फिर बाद में हाथ डाल दो अंदर, ठीक है। रेडी, ये पोजीशन में आपको एक दो पैर के अंदर डालना है और इस परिसर में चारों तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे, चारों तरफ हमको देखना है, क्या करना है, चारों तरफ देखना है और ड्यूटी करना है, समझ गए? ऐसे नहीं जिस जगह पे हम लोग है वहीं पे बैठ गए और आराम से रह गए, ठीक है। बैठने के लिए भी तरीका होता है, हमें पीठ टेकना नहीं रहता है चेयर को, ठीक है। ई फॉर ईगल आई, क्या है? ई फॉर ईगल आई, ईगल आई की तरह दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमें देख के इस परिसर की क्या करना है, सुरक्षा करना है, ठीक है। उसके बाद में ई के बाद सिक्योरिटी के स्पेलिंग में अल्फाबेट्स के अनुसार हमें काम करना है। E for eagle eyes, C for courageous, C for जोर से बोलो, C for courageous यानी धाड़स करना, क्या करना है, धाड़स करना, क्या करना है, धाड़स करना है। जहाँ पे घटना घटती है वहाँ पे हमें धाड़स करना है, हर चीज में हमको धाड़स करना है, कोई शर्म नहीं करना है। सुरक्षा रक्षक, जान की रक्षा करने के लिए धाड़स करना है, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना है, बराबर। इस परिसर में सुरक्षा करना है, उसके लिए धाड़स करना है। इस परिसर में हमें सबका सम्मान करना है, संकोच नहीं करना है, समझ गए? उसके लिए भी हमको क्या करना है, धाड़स करना है। कोई संकोच करता है, कोई समझता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें संकोच करने की नहीं है, हमें करेजियस यानी धाड़स करने वाला सुरक्षा रक्षक बनना है, समझ गए? सी फॉर करेजियस यानि धाड़स करना, समझ गए? सी के बाद यू, यू फॉर यूनिफॉर्म, जिस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म में है, ऊपर से लेके कैप से लेके जूते तक, समझ गए? बारिश में ज़्यादा करके बारिश के जूते पहनने चाहिए, समझ गए? दूसरा कलर नहीं है, जो कंपनी का यूनिफॉर्म है वो सर से लेके पाँव तक, कैप से लेके जूते तक हमारा यूनिफॉर्म में हमें रहना चाहिए। जब जब हम पोस्ट पे है, ड्यूटी पे है, हमारा यूनिफॉर्म ऊपर से लेके नीचे तक सेम रहेगा। अगर जूते है तो जूते पॉलिश होना चाहिए, जब चमड़े के हैं तो,
और बाकी दूसरे रहेंगे बारिश के जूते रहेंगे तो साफ सुथरे रहेंगे। कोई अलग जूता पहनेगा तो कैसा दिखता है, ये हमारे यूनिफॉर्म को ओ शोभा नहीं देता है। तो ये ध्यान में रखना है हमको, हमारा हमारी पर्सनैलिटी हमारे यूनिफॉर्म से ही पहचानी जाती है, बराबर। उसमें हम लोग को ये भी देखना है कि हमें हर रोज शेविंग करना है। जो शेविंग करते हैं उनको देखो और जो शेविंग नहीं किए उन्होंने, आप देख सकते हो जिन्होंने शेविंग नहीं किया वो कैसे दिखता है। तो ये सब चीज़ें गलत है, यूनिफॉर्म से हमारे शरीर से पता चलता है कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, समझ गए। ऊपर सर पे कम से कम बाल रहना चाहिए, ये हमारे यूनिफॉर्म में, हमारे यूनिफॉर्म साफ सुथरे रहने चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहन के ही हमें पोस्ट पे खड़े रहें, क्योंकि हम लोग विजिबल होते हैं। क्या होते हैं? विजिबल होते, सबको दिखाई देते हैं, बराबर कि नहीं। जहाँ पे हम पोस्ट पे खड़े हैं वो सब लोग आना और जाना होता है, तो हमें दिखाई देता है, उन्हें दिखाई देता है, समझ गए। तो ये हमारी पर्सनैलिटी में दाग नहीं लगना चाहिए, समझ गए। चाहे वो दिन हो, कोई किसी का ख्याल रहता है कि दिन में अच्छे गार्ड रहते हैं, नाइट में जो दाढ़ी नहीं करते, कोई जूते को पॉलिश नहीं करते, साफ नहीं रखते, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ये भी देखना है कि नाइट में भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा रक्षक दिन की तरह ड्यूटी करना चाहिए, बराबर। हमारी ड्यूटी करते समय हमारी ड्यूटी पहरेदारी की तरह, जैसे मैं चल रहा हूँ, जहाँ पे पोस्ट पे है सिर्फ चेयर पे बैठने के लिए नहीं है, हमारी जितनी भी जगह है उतनी जगह पे हमें क्या करना है, राउंड मारना है, इस तरह से आगे पीछे देखना है, चारों तरफ देख के हमको क्या करना है, ड्यूटी करना है। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षा कर रहे ये दिखेगा, समझ गए। यू फॉर यूनिफॉर्म, हमेशा ध्यान में रहे, हमारी कंपनी का नाम यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है, और वो अगर नाम अच्छा है तो यूनिफॉर्म से पता चलता है। तो इसलिए हमारा यूनिफॉर्म हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक साफ सुथरा पहनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू के बाद क्या है, आर फॉर रोबस्ट, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, सुरक्षा रक्षक मजबूत, रोबस्ट यानी मजबूत, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए, मजबूत। कोई हादसा होता है तो उस हादसे में वो मजबूती के साथ जाना चाहिए। कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई चोरी होती है, कोई इंसिडेंट होता है, घटना घटती है, तो अब हमें रोबस्ट मजबूत, हमारी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, 12 घंटे की ड्यूटी में हमें क्या करना है, मजबूती के साथ सुरक्षा करना है। ऐसे नहीं कि एक जगह पे हमें चेयर मिली तो उस चेयर पे हम लोग बैठ गए, हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा चेयर पे बैठे रहना नहीं है। चेयर पे बैठेंगे तो भी 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठेंगे, तो भी कैसे बैठेंगे, पीठ हमारी टच नहीं, पीछे टच नहीं होना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, हमारी कमर हमारी पीठ एकदम स्ट्रेट रहेगी, और आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देख के ही हमको क्या करना है, बैठना है, समझ गए। आराम से हमें चेयर पे बैठना नहीं है, ठीक है, रोबस्ट। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मजबूती, क्या होना चाहिए, मजबूती यानी रोबस्ट। सुरक्षा रक्षक के पास 12 आवर्स की जो ड्यूटी है उसमें हमें मजबूती के साथ क्या करना है, मजबूती के साथ ड्यूटी करना है। जब हम पोस्ट पे नहीं है उसके बाद में आराम से हम लोग रह सकते हैं, मगर जब तक 12 आवर्स की जब ड्यूटी है रोबस्ट की तरह मजबूती की तरह हमें इस परिसर में सुरक्षा करना है, समझ गए। उसके बाद आर के बाद आई फॉर इंटेलिजेंट, जोर से बोलो, आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। इंटेलिजेंट का मतलब
बुद्धिमान सुरक्षा रक्षक हमेशा बुद्धि का प्रयोग करके इंसिडेंट जब होता है तो सॉल्व करना चाहिए। सुरक्षा रक्षक बुद्धिमान, बुद्धि का प्रयोग करके ही हमें काम करना है। अकल बड़ी की भैंस बड़ी, अकल बड़ी, उसी तरह हमें अकल का, अगर हमारे से काम नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे? हमसे कोई सुनता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे। तो ये हमारे बुद्धि का काम हुआ, समझ गए? हमें किसी से उलझना नहीं चाहिए। किसी का अगर कोई उलझता है तो उनका डेटा हमारे पास रहना चाहिए, बराबर। कोई अंदर से आया, कोई बाहर से जा रहा है, हमारे पास उनका डेटा होना चाहिए, चाहे उनकी गाड़ी का नंबर, चाहे उनके घर का नंबर या मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें बुद्धि का काम होते हैं। या हमारे से नहीं होगा तो हमारे, हम सीनियर को बताएंगे और सीनियर क्लाइंट को बताएंगे और कार्रवाई की तरफ जाएंगे, मगर हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। आप करके ही सामने वाले से कैसे बात करेंगे हम लोग? आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ से जाइए, समझ गए? सबको, सबका, हमको क्या करना है? सम्मान करना है। इंटेलिजेंट बुद्धि का प्रयोग करो। ड्यूटी पे आने के लिए हमारी ड्यूटी कितने बजे की है? 8 बजे। हमें आना कितना बजे है? 7:30 बजे हमको, कम से कम 7:30 बजे आना है। आना क्यों है 7:30 बजे? उसके बाद में हमको यूनिफॉर्म पहनना रहता है, पंचिंग करना रहता है, रजिस्टर पे नाम लिखना रहता है, फिर बाद में हमें डे एंड नाइट, हमारी सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षा रक्षक डे एंड नाइट है। जहाँ पे हमारी पोस्ट है उस पोस्ट को हमको क्या करना है? हैंड ओवर, टेक ओवर, क्या करना है? हैंड ओवर टेक ओवर करना रहता है। यानी नाइट में कोई काम हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, कुछ चीज़ें हुई है, तो उस जगह की हमको राउंड मार के देखना रहता है। इसलिए कम से कम वो चार्ज लेने के लिए हमें 15 मिनट पहले आना चाहिए। उसके बाद में हमारी ब्रीफिंग होगी, जहाँ पे पोस्ट पे जाना है उस पोस्ट पे क्या काम है, सुपरवाइज़र उनको, गार्ड को क्या करेगा? सुरक्षा के बारे में, उस जगह के बारे में बताएगा। ये हर दिन होना चाहिए, ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले। इसलिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, इंटेलिजेंट। बहाने कोई बनाएगा नहीं, कोई भी बहाने नहीं बनाएगा। ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले ये सारी चीज़ें सबके, सबको क्या करना है? ब्रीफ करना है उसके काम के बारे में, उसके जगह के बारे में। अगर आगे पीछे कुछ हुआ रहेगा, इंसिडेंट हुआ रहेगा, तो वो उनके दिमाग में जाना चाहिए। नहीं तो नाइट में हुआ हमें मालूम नहीं, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ऑकरेंस बुक में हमेशा लिखना चाहिए, जो सुपरवाइज़र रहता है ऑकरेंस बुक में लिखता है, आज दिन भर में क्या हुआ, इस पोस्ट पे क्या हुआ, उस पोस्ट पे क्या हुआ, ये सब चीज़ें लिखेगा। और फिर बाद में वो डे सुपरवाइज़र, नाइट सुपरवाइज़र को बताएगा, वही नाइट सुपरवाइज़र डे सुपरवाइज़र को बताएगा हर चीज़ें वो बताएगा, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, चीज़ें जो हुई है। तो ये इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, बुद्धिमान आदमी ही करेगा ये काम। अगर बिना बुद्धि का रहेगा तो कुछ करेगा नहीं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? डेटा लेना है। डेटा, डेटा मतलब राइटिंग में लिखना है हमको, क्या लिखना है? ये सारी चीज़ें की रिकॉर्ड में आ जाए, ताकि डे में हुए चीज जो नाइट में क्या करे, नाइट में पता चलेगा। समझ गए? आप सब लोग सुपरवाइज़र सीनियर के संपर्क में रहेंगे। जो चीज़ें अगर आपके पोस्ट पे होती है तो आपको सीनियर को क्या करना है? तुरंत यूनिफॉर्म करना है। कोई इंसिडेंट होता है, कोई चीज़ें आपके ख्याल में आती है, तो ये आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। अगर आपके पास ही रखोगे और क्लाइंट ने बता दिया अरे ऐसा हुआ उधर, आपको पता चला कि नहीं, तो ये चीज़ें सुपरवाइज़र के कान में अगर पड़ती है और सबके सामने बताया जाता है, तो कोई हादसा होता है, कोई चीज़ें होती है, तो सामने वाले को भी एक अंदाज आता है, बराबर कि नहीं, यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे हुआ, तो हमारी गलती है या क्लाइंट की गलती है। वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हर दिन ब्रीफिंग
ट्रेनिंग होना जरूरी है। सुरक्षा रक्षक को बुद्धि का प्रयोग करके ये सारी चीजें इंटेलिजेंट दिमाग से काम करना है। समझ गए सब लोग? समझ गए? जैसे बोलता हूँ समझ गए तो हाँ आवाज दो जोर से, ताकि आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आई के बाद टी फॉर ट्रेंड। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? ट्रेंड, प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। इसके लिए हमें गवर्नमेंट के अनुसार, पसारा एक्ट के अनुसार, ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तब जाके हमें क्या करना होता है, ड्यूटी ज्वाइन करना होता है। हम लोग अगर नहीं किए हैं तो ये डेली आप लोग ट्रेनिंग लेके, ब्रीफिंग लेके एक प्रशिक्षण सुरक्षा रक्षक बनना चाहिए। समझ गए? यस सर। इसके लिए आपको सुबह और शाम ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले आधे घंटे आके जिनको नॉलेज है वो शेयर करेगा। क्या करेगा? वो शेयर करेगा। ठीक है, टी फॉर ट्रेंड, प्रशिक्षण लिया हुआ सुरक्षा रक्षक पोस्ट पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद टी के बाद वाई फॉर यूथफुल। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? यूथफुल, जवान। जिस तरह से मैं इस जगह पे, मैं हर जगह पे जा रहा हूं, आप देख रहे हो जवान की तरह बराबर, जहां पे हमारी ड्यूटी है, हमारी पोस्ट है, हम लोग इस जगह पे चारों तरफ देख रहे हैं। मैं सबको देख रहा हूं बराबर कि नहीं? हर सुरक्षा रक्षक की तरफ मैं देख रहा हूं, इसका मतलब मेरा ध्यान सब जगह पे है। मैं यहां पे जाता हूं तो पीछे भी जाता हूं, आगे भी जाता हूं, दाएं भी जाता हूं और बाएं भी जाता हूं। समझ गए? तो वाई फॉर यूथफुल, जवान की तरह हम लोग सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा रक्षक विजिबल होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, सब लोग को दिखेगा तब सामने वाला संकोच करेगा, डरेगा। वो क्या करेगा? वो डरेगा। अगर हम लोग बैठे रहेंगे एक जगह पे, पीछे से कोई आएगा उसको ध्यान में नहीं है, तो हमें वहां से भी आता रहेगा तो हमें ध्यान होना चाहिए। जब आता है तो हमें खड़े रहना चाहिए, कोई भी शख्स सामने से गुजरता है तो हमें बैठे रहना नहीं चाहिए, हमें खड़े रहना है, उनकी पूछताछ करो या उनका सम्मान करो। ये सारी चीजें यूथफुल जवान सुरक्षा रक्षक ही कर पाएगा। अगर बूढ़ा भी है तो भी जवान की तरह ड्यूटी करेगा। क्या करेगा? जवान की तरह। अगर हम लोग घूमते रहेंगे तब हमारी बॉडी हमारी कैसी रहेगी? एक्टिव रहेगी बराबर। अगर हम घूमते रहेंगे, चारों तरफ देखते रहेंगे तो हमें कोई गलत काम करते हुए भी दिखाई दिया तो भी हम उनको क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। समझ गए सब लोग? यूथफुल जवान की तरह सुरक्षा करना है। आपको देख आग क्या है? फायर एक ट्रायंगल है। क्या है? फायर एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ फायर। किन चीजों से आग लगती है कौन बताएगा? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें एक साथ आती है तब आग लगती है। एक को हम हटाएंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये है, तो ये दोनों में क्या फर्क है कौन बताएगा? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हो आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर दोनों, पाउडर, पाउडर लिखा है, सेफेक्स कंपनी की तरफ से है। कौन बताएगा? दिख रहा है आपको? हाँ, एबीसी है ही। क्या फर्क क्या है इसमें दोनों में? पास आके देख लो, क्या फर्क है? किसी को पता है? ये दो फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पे भी है ये CO2 है, यहाँ पे भी है CO2,
इसको सील नहीं लगा हुआ है, इसको सील नहीं लगा हुआ है, बराबर। और क्या है, ये भरा हुआ है, देख सकते हो ना आप लोग, भरा हुआ है, मगर ये पिन निकला हुआ है, बराबर। पिन निकला हुआ यानी ढीला है, उसको लॉक नहीं है, कोई भी निकाल सकता है। ये गेज देख रहे हो आप, दिख रहा है गेज, इसका गेज कहाँ पे गए हैं, रेड पे दिख रहा है आपको, रेड पे गए, यानी इसके अंदर क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है। मैं अगर दबाऊँ तो भी क्या होगा, पाउडर नहीं निकलेगी, बराबर। ये डैमेज है, इसके अंदर प्रेशर ही नहीं है, पाउडर है अंदर मगर प्रेशर नहीं होने की वजह से ये काम नहीं करेगा, समझ। अभी आप देख सकते हो ये फायर एक्सटिंग्विशर, आपने देखा जो प्रेशर नहीं है, जिसमें सील टूटा हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल के लिए भेजना है हमारे जगह पे, जहाँ पे वो फायर एक्सटिंग्विशर हैंग होता है वहाँ पे हमको क्या करना है, रखना नहीं है वहाँ पे। अगर वहाँ पे रखते हैं और बाई चांस वहाँ पे उस जगह पे आग लगती है और हम लोग वहाँ पे लेके गए, तो हमारा टाइम वेस्टेज होगा, समझ गए आप लोग सब लोग। तो ये ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर हमको जगह पे रखना नहीं है। आग जब लगती है, तीन चीज़ों से आग लगती है, बराबर, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, ये ध्यान में रखो। हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग को बुझाएंगे, समझ गए। पानी को, पानी से कैसे आग बुझाएंगे हम लोग, कौन सी आग पानी से बुझाएंगे, साधारण आग लगती है तब, ए क्लास ऑफ फायर यानी जनरल फायर, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, और लकड़ा कपड़ा यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो, टाइप फॉर यूज ऑफ पेपर, वुड, क्लॉथ एंड प्लास्टिक की आग बुझाने के लिए हमको एक क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमको करना है, यानी साधारण आग को हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं और ये क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। उसके बाद में बी क्लास ऑफ फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग, समझ गए, बी क्लास ऑफ फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग क्या करेंगे, बुझाएंगे। उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर यानी क्या, गैस की आग, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गैस की आग है, गैस की कनेक्शन है, गैस के कनेक्शन का, गैस के पाइप का कलर कौन सा होता है और फायर हाइड्रेंट के पाइप का कलर कौन सा होता है, कौन बताएगा, गैस का येलो और फायर हाइड्रेंट का रेड कलर का, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप समझ लो कि जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो लगा हुआ है वो रेड कलर का पाइप रहता है, एक में फायर हाइड्रेंट राइजर होता है जो ये सामने है, आपको ये दिख रहा है वो येलो कलर के है, क्या है वो, कैप, इनलेट है क्या, आउटलेट है, ये फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी आती है उसके लिए है, और वो हमारे लिए है जो कैनवास होज पाइप लगा हुआ है वो, उससे हमको क्या करना रहता है, यूज़ करना रहता है उसको। आगे जो येलो कलर के कैप है वो क्या है, फायर ब्रिगेड क्या करेगी, उनकी गाड़ी आती है तो उसमें से वो पानी लेगी, क्या करेगी, उसमें से वो पानी लेगी। हमारे पास जो टैंक है फायर का, जब भी पानी आता है तो पहले फायर के टैंक में आता है, फिर बाद में पीने के पानी में चला जाता है, हमेशा भरा रहता है, तो पहले फायर के टैंक में भरा रहता है, ठीक है, समझ में आया। ये गैस की फायर, सी क्लास ऑफ फायर, उसको भी हम लोग ए बी सी फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। उसके बाद में डी क्लास ऑफ फायर, डी क्लास ऑफ फायर यानी मेटल फायर, जो कंपनियों में रहते हैं, मेटल की आग लगती है तब वो ड्राई केमिकल पाउडर से, वो फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाते हैं। उसके बाद में ई क्लास ऑफ फायर यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी फायर, हम लोग कैसे बुझाएंगे, हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, CO2,
यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अंदर पाउडर है, ड्राई केमिकल, केमिकल पाउडर होती है, ठीक है? सबको समझ में आया? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए कौन बताएगा? ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग यानी चद्दर फैलाएंगे, कौन सा? ये पाउडर का भी चद्दर हम लोग फैला सकते हैं, बराबर, ब्लैंकेटिंग, ब्लैंकेट डाल के भी चद्दर फैला सकते हैं, बराबर। हम लोग आग लगती है, हमारे शरीर को भी आग लगती है तो हम लोग रोलिंग करते हैं, बराबर है। यानी क्या होता है? ऑक्सीजन कट होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन कट होता है, समझ गए? तो ऑक्सीजन कट करने के बाद हम लोग आग बुझा सकते हैं, उसके बाद में हीट हुआ, ऑक्सीजन हुआ, और क्या है? फ्यूल। फ्यूल को हम लोग कैसे हटाएंगे? फ्यूल को हटाने के लिए क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। क्या बोलते हैं? स्टारवेशन, यानी फ्यूल के सप्लाई को हमको बंद करना है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तब हम कैसे सप्लाई बंद करेंगे? उसका सप्लाई कैसे बंद करेंगे? मेन स्विच हम लोग क्या करेंगे? मेन स्विच ऑफ करने के बाद ही हमको फायर एक्सटिंग्विशर का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। क्या करना है? फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? गैस की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? करना है, क्या करना है? स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब सप्लाई बंद करो, जो आग लगी है उसका सप्लाई बंद करो। गैस की आग लगती है तो मेन वॉल्व गैस का जो रहता है वो हमें मालूमात होना चाहिए। अगर मालूमात नहीं है तो हमको क्या होगा? मालूमात नहीं है तो क्या होगा? आग बढ़ती जाएगी और यहाँ से हमारा फायर एक्सटिंग्विशर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखो, स्टारवेशन करना है, फ्यूल को हटाना है। क्या करना है? फ्यूल को हटाना है, समझ गए? फ्यूल को हटाएंगे तो आग जितनी है उतनी रहेगी और हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा सकते हैं। अगर बड़ी आग लगती है तो हमको क्या करना है? इसका इस्तेमाल करना होता है। किसका? फायर हाइड्रेंट सिस्टम। किसका इस्तेमाल करना है? फायर हाइड्रेंट सिस्टम, बराबर है। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे मालूम है? इस्तेमाल कैसे करना है, इसका मेथड क्या है, किसी को पता है? पास, पास मालूम है? पी ए डबल एस, क्या है? पी ए डबल एस, यानी पी फॉर कौन बताएगा? पुल। पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन हमको क्या करना है? इसको निकालना है, जैसे ये निकला हुआ है ऑलरेडी, बराबर है। पहले ये देखना है कि ये सील लगा हुआ होना चाहिए। सील लगा हुआ है तो ठीक है, सील लगा नहीं है तो समझ गए इसका गारंटी नहीं ले सकते, इसका नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसका हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें से फायर एक्सटिंग्विशर से हमको गैस से पता चलता है कि इसके अंदर प्रेशर है कि नहीं। इसके अंदर से पता नहीं चलता जब तक हम लोग वॉल ओपन नहीं करते। ये वन टाइम यूज़ है, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हम लोग वॉल ओपन कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं गैस को, इसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। एक बार निकल गया तो ये उसकी हालत होती है, रेड पे चला जाता है और पाउडर भी यूज हुआ नहीं है, बराबर। यानी ये लीकेज हुआ, बराबर। एक बार लीकेज हुआ इसका मतलब कहीं से भी उसका हवा प्रेशर निकलता रहेगा, ऐसा एकदम धीरे निकलता रहेगा, हमको पता भी नहीं चला, बराबर। किसी ने ये चीज़ें को तोड़ भी दिया रहेगा, हमारा ध्यान नहीं है। जब भी हम लोग राउंड मारेंगे तो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर को राउंड मार के ये सारी चीज़ें देखनी रहती है, समझ गए? ठीक है, अभी हमको मेथड मालूम होना चाहिए, कौन सा मेथड? फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर? पी फॉर, जोर से बोलो, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, और दूसरा अल्फाबेट क्या है? पी ए डबल एस। ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर पुश नहीं, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, ये एम करना है हमको। मैंने सेफ्टी पिन निकाल दिया, फिर बाद में मैं क्या करूँगा? एम करूँगा, ये मैंने एम कर दिया, जहाँ पे आग लगी है क्या करेंगे? वहाँ पे हम लोग एम करेंगे, निशाना लगाएंगे। कहाँ पे निशाना लगाएंगे?
एम द, जोर से बोलो, एम द बेस ऑफ फायर, यानी निशाना बेस की तरफ लगाना है जहां पे आग लगी है उसके फ्लेम को नहीं, ठीक है। उसके बाद एम द बेस ऑफ फायर, उसके बाद एस, एस फॉर क्या करेंगे, स्क्वीज द लीवर, इस लीवर को क्या करेंगे, दबाएंगे। और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम इस वॉल को ओपन करेंगे, राउंड द क्लॉक, घड़ी कैसे घूमती है इस तरह से हमको वॉल को ओपन करना। कभी कभी क्या होता है, हमको मालूम नहीं रहता है, हम लोग उल्टा और बंद कर देते हैं और टाइट कर देते हैं, तो निकल खुलता नहीं है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान में रखना है राउंड द क्लॉक ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को हमको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्विच द फायर एक्सटिंग्विशर, कौन से टाइप का है ये हमारे पास, एक ABC टाइप का है और दूसरा CO2, यानी CO2 में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे यूज करना है उसको, पुल द सेफ्टी पिन, ये सील को तोड़ना है, इसने सील को इतना लगाया है, इसको बांधना नहीं रहता है, इसको इस तरह से ये कट रहता है। अभी देखो ये सील को मैं तोड़ूंगा तो ये इस तरह से टूटेगा, बराबर टूट गया, ये सिंपल में टूटना चाहिए। अभी यहाँ पे इन्होंने बांध के रखा है, ब्लेड से काट दो इसको, बेस को मारना है। अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अंदर प्रेशर होता है, क्या होता है, प्रेशर होता है, तो प्रेशर होता है तो हमको कैसे मारना है, पहले हमको इसको सील को तोड़ना है। अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने सील को तोड़ा, उसके बाद में पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन को हम निकालेंगे, बराबर, हाँ, निकालने के बाद उसको एम करेंगे, क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर। अभी हम, मैं खड़ा कहाँ पे रहूंगा, अभी आप धुआं देख रहे हो कहाँ पे जा रहा है, आगे जा रहा है, बराबर। अगर धुआं मेरे पास आता है तो यानी हवा की दिशा को देख के ही हमको फायर एक्सटिंग्विशर जहां में खड़ा रहना है, फायर एक्सटिंग्विशर लेके। अभी हवा की दिशा आपके तरफ जा रही है, बराबर, मैं क्या करूंगा, मैं इस तरफ से आऊंगा और कम से कम 5 फुट की दूरी रखूंगा और इसको इस तरह से देख सकते हो आप लोग, मेरा पैर आगे है और राइट पैर मेरा पीछे है, उसी तरफ से मैं देखूंगा। अभी देखो हवा की दिशा ज्यादा है, ये मैंने बुझा दिया, बराबर, बुझ गई। अभी आपको पूरी तरह बुझाना रहता है, एक एक करके आप सब लोग आके इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बराबर। क्योंकि इसमें से अभी क्या होगा, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर आप देखते हो, देखो आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे क्या निकल रहा है, प्रेशर निकल रहा है, वन टाइम यूज है। अभी आग लगा दो वापस, जब तक प्रेशर खत्म नहीं होता तब तक हमको पूरा पाउडर बाहर निकालना है, ये ध्यान में रखो, तुरंत तुरंत करना है, नहीं तो ये प्रेशर निकल के बाहर जाएगा, पाउडर अंदर ही रहेगी और क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक एक करके आइए, आप आइए, आग लगाए क्या, कैसे करोगे, बोलना है सबको, बोलना है जोर से, लेफ्ट पैर आगे ले लो, पुल द सेफ्टी पिन, एम द, एम करो, थोड़ा आगे पकड़ो इधर, एम द बेस ऑफ फायर जहाँ पे आग लगी है, बराबर, और स्क्वीज द लीवर, लीवर दबा दो जहाँ पे निशाना बारा लगा, हाँ बस बस, ओके। फिर बाद में स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, अभी बड़ी आग लगी नहीं है, छोटी सी आग है, छोटी सी आग बुझाने के लिए हमें कम से कम प्रेशर से हमको वन क्विक में हमको लगाना रहता है, ठीक है। अभी हमारे पास देख लो, देख सकते हो आप लोग, पहले कहाँ पे था निडल, देख सकते हो आप कहाँ पे निडल था, पहले ग्रीन में था, मिडल में था, बराबर। अभी वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, हमको खत्म करना है, नहीं तो ये पाउडर ऐसे ही रहेगी इसके अंदर ही। चलो नेक्स्ट, आप आ जाओ, एक 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 करके आ जाओ, फटाफट क्विक जल्दी मारो, वापस वापस आग लगना चाहिए। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, लीवर दबा दो, बराबर 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 बुझा, आगे बढ़ो चाहिए तो, हाँ बस बस। सेकंड बोला जोरात, पुल द सेफ्टी पिन, पुल द सेफ्टी पिन, एक्टिंग करा, एक्टिंग करा, पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन कूटे है, खोला जी, एक्टिंग करा, पुल द, जोरात बोला, पुल द सेफ्टी पिन, एम द, स्क्वीज द लीवर, दबाओ, बोलो जोर से, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, ओके, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, नेक्स्ट, पुल द सेफ्टी पिन,
एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, टाया पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, बराबर स्क्वीज द लीवर, हाँ बस टाया। और फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर, उसके बाद में स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, यानी सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, निशाना लगाओ बराबर, स्क्वीज द लीवर, बस टाया। कम ऑन नेक्स्ट, हमको जब भी फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ेंगे जिसका पिन निकला हुआ है उसमें क्या होता है, पिन अगर निकलता है तो क्या होता है, हम लोग दबा सकते हैं लीवर को, लेकिन एम द बेस ऑफ फायर करने से पहले हमको स्क्वीज द लीवर दबाना नहीं है, इसके लिए हमको नीचे से पकड़ना है, ऊपर से पकड़ना नहीं है, ऊपर से दबाना नहीं है, ठीक है। पहले एम करो, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, दबा दो अभी, ओके रेडी, थैंक यू, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, पुल द सेफ्टी पिन, पहले सेफ्टी पिन निकालो, दिखाओ मेरे को, हाँ निकला, एम द बेस ऑफ फायर, ओके स्क्वीज द लीवर और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, बराबर, यानी प्रेशर निकल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट, रेडी, क्या करना है, पुल द प्रैक्टिस आप डेली करना है आपको, बराबर, ये निकाल दिया आपने, बराबर, निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसको एक बेल्ट रखना चाहिए आपको, बेल्ट में आपको इसके अंदर डालना है, फिर बाद में आपको इसको एक कैनवास पाइप को कैसे फोल्ड करोगे, आगे तक लेके जाओ, साइड ला साइड, अभी वहां से आपको क्या करना है, एक जन जाओ जिसको मालूम है, क्या करेंगे आप, वो फीमेल कपलिंग है, क्या है, फीमेल कपलिंग को निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, पुश करो, हाँ निकल गया, और सीधा अभी पाइप ले लो, अभी पकड़ लो, ये अभी आप लोग, आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, इसको इस तरह से पहले पानी निकालना है, क्या करना है, पानी निकालना है, आप किस तरह से उसको पानी निकाल सकते हो, बराबर देखो आगे चल के पानी निकल रहा है, ठीक है, और नीचे ले लो, इसको ये जो कैनवास पाइप है ये फीमेल कपलिंग के केस से आपको ये क्या करना है, फोल्ड करना है, इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है, देखो ठीक है, जो पतला आ जाओ, अभी कैसे रहता है आपका स्टमक, ये हम लोग कसरत करेंगे, बराबर झुक जाओ, उसको लक्स को पकड़ना है, लक्स को पकड़ के हाँ आगे बढ़ो, दबाओ, नीचे जाने के बाद दबाना आपको, भाग मारे को हो गया, लक्स को पकड़ के, लक्स को दोनों बाजूला पकड़ा है, हाँ फिर बाद में आगे बढ़ो, ये थोड़ा झुक जाओ ऐसा, समझ गए, ये अगर प्रैक्टिस करोगे जो भी मोटा होगा वो पतला हो जाएगा, बराबर, ये डेली प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ये कितना मालूम है, सेकंड में 32 सेकंड में ये पूरा आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 32 सेकंड में, समझ गए सब लोग, ये अगर प्रैक्टिस करोगे ये कैसे सबको दिखेगा, विजिबल रहेगा, सबको दिखेगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी फायर की ट्रेनिंग लेती है, फायर की प्रैक्टिस करती है, और प्रैक्टिस होने के वजह से हम लोग फायर फाइटिंग के लिए क्या करते हैं, रेडी रहते हैं, बराबर समझ गए, और आगे चल के अभी आप देख सकते हो मैंने ये
32 सेकंड में कंप्लीट किया था। क्या किया था मैंने, ये होस पाइप वहाँ से निकाला, उसको अटैच किया और उसके बाद में उसको दौड़ के आगे बढ़ा दिया। बेल्ट में से मैंने क्या किया, क्लॉक नोजल निकाला, ब्रांच पाइप निकाला और उसको अटैच किया और फिर बाद में उसको बोला वॉल्व पानी छोड़ दो, तो वो टाइम पे पानी छोड़ा और आगे चला गया। जहाँ पे टारगेट है वहाँ पे पानी मार दिया वापस और टारगेट को गिरा दिया, एक ऐसे पतरा लगा के रखा था उसको टारगेट किया और पानी गिरा दिया और वापस उसको इस तरह से फोल्ड किया। अभी हमको जो 2-3 मिनट लग रहा है वो हमने 32 सेकंड में किया। जब आग लगती है तब आपको क्या करना है, कम से कम सेकंड में आप अगर आग बुझाते हो, बराबर समझिए, आप आ जाओ यहाँ पे, ये ध्यान में रखो, हमेशा इस तरह से होज पाइप हमको होज बॉक्स में रखा हुआ ये निकला है, बराबर इस तरह से पकड़ना है हमको, इस तरह से पकड़ के आप दौड़ सकते हो जहाँ पे राइजर है करके, बराबर ये पकड़ सकते हो। ये पकड़ने के बाद इसको आपको अगर ये करना है पीछे वाले को देना है तो आप ये इस तरह से पकड़ोगे, बराबर ये लक्स है, लक्स को इस तरह से पकड़ के आपको रखना है, बराबर इस तरह से पकड़ के आगे बढ़ना है और नीचे वाला क्या करेगा, पीछे वाला पकड़ लो, नीचे से नीचे से ये ऐसे ही आगे जाएगा, जाओ आप ऊपर, ठीक है समझ में है, जाओ और उसको लगा दो। तो ये चीजें अगर आप दौड़ के आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बराबर इस तरह से दौड़ के प्रैक्टिस करना है हमेशा डेली। आप आधे घंटे जल्दी आके आप एक फायरमैन बनना चाहते हो तो ये आपको कैनवास पाइप लेना है, सामने वाले से उसको अटैच करवाना है, मेल कपलिंग है वो, ये फीमेल कपलिंग है, फीमेल कपलिंग आपके पास रहेगा, उसको ऑपरेट करोगे, खड़े रहोगे और वापस उसको निकालोगे और बेल्ट में डालोगे और वापस उसको फोल्ड करोगे, करूँगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर डेली करोगे, सीधा करो एकदम सीधा और लंबा तक लेके जाओ और फिर बाद में एकदम टाइट आपको फोल्ड करना है ताकि आपको होज बॉक्स में वापस रखना है, ठीक है समझ में आया। ओके, सबके पास मोबाइल है दे दो। क्या बोलते हैं इसको, किसको हमने ये कर दिया, लक्स को, क्या किया, लक्स को पुश किया, नहीं तो कभी कभी क्या होता है किसी को मालूम नहीं तो घुमाते रहते हैं, बराबर ये घुमाना नहीं हमको खींचना है उसको, बराबर वापस लगाने के बाद इस तरह पकड़ना है, बराबर मुट से पकड़ लो, आप पकड़ना तो ऐसे पकड़ो, टाइट पकड़ो, कभी कभी ये टाइट होता है, अभी इसमें अंदर वाइसर नहीं है तो डायरेक्ट जा रहे हो, लेकिन वाइसर होने से क्या होता है, ये नहीं होता, क्या नहीं होता है, लीकेज नहीं होगा, पानी लीकेज नहीं होगा, तो ये बता दो आप लोग बताओगे तो आपको ध्यान में आएगा, इनको किसको बताना है, मेंटेनेंस टीम को बताना है। हाँ ये कैनवास होज पाइप, क्या बोलते हैं उसको, कैनवास होज पाइप, मालूम है ये पूरा कैनवास होज पाइप, ये फीमेल कपलिंग है, क्या है, बोलना है उनको फीमेल कपलिंग में वाइसर नहीं है, उसके वजह से पानी लीकेज हो रहा है, बराबर तो उनको बताना है, ठीक है, रेडी ओके। और पकड़ना कैसे, ये पकड़ने के वक्त हमारा हाथ ऊपर से आएगा ये, और ये मुट को यहाँ पे पकड़ेंगे बंद और इसको अंदर डाल देंगे, बराबर सेकंड पर्सन कैसे रहेगा, आप आ जाओ इसके पैर में ऐसा पैर डालो, आगे का लेफ्ट का पैर, हाँ और आगे लॉक कर दो, पैर को क्या हुआ, लॉक हुआ और मैंने इसको सपोर्ट दिया, बराबर जब भी फायर अपना इसका फायर हाइड्रेंट का प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, वो कितना केजी का रहता है, अभी इसके अंदर कम से कम केजी था, बराबर ये 5 फुट 6 फुट 10 फुट के लिए ठीक है, ये आगे तक ऊपर तक जाने के लिए इसके लिए 12-15 kg तक प्रेशर देना होता है, तब जाके वो पानी ऊपर तक चला जाएगा, बराबर हम लोग वो भी अगले टाइम प्रैक्टिस करेंगे, मगर इसके लिए हमारा जो वॉल सिस्टम है वो बराबर रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, वॉल 2 सेकंड में निकलना चाहिए और निकलने के बाद बंद भी होना चाहिए बराबर, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप बराबर रखते हो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कैसे होगा कि वो पानी बंद ये हो जाएगा, हम लोग खोल देंगे और पानी बंद नहीं होगा, वॉल बंद नहीं होगा तो लीकेज होगा, तो उसके बाद में हमको ये भी मालूम होना चाहिए उसके अंदर बटरफ्लाई वॉल है, क्या है, बटरफ्लाई वॉल होता है,
जो वॉल से हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रेशर बंद कर देते, वहां से बंद कर देते, यहाँ से नहीं हो रहा है तो आगे का बंद करेंगे, जितना पानी है लाइन में वो बहते रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अभी आप लोग इस तरह से ये प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है, इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम लोग ऑपरेशन करें। अगर साधारण आग लगती है तो हम लोग ये पानी से बुझाएंगे, मगर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। ठीक है, अभी आप दो चीजें करना है आपको, फायर एक्सटिंग्विशर जो है एम्प्टी हुआ है वो रिफिलिंग को देना है, जिसका प्रेशर खत्म हो गया वो भी रिफिलिंग को देना है। इसके लिए आपको रबर क्या किसमें डालना है, फीमेल कपलिंग में वाइसर डालना है और वहां का वॉल फ्री करना है, बरा ये मेंटेनेंस करवा के लेना है। ये चीजें अगर हम लोग बताते हैं, हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि करना किसको यूज है, आखिर में जब आग लगती है तो हम सबको यूज करना है, जो सुरक्षा रक्षक इस जगह पे होगा, जब आग लगेगी तब हमको ये सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम हमको यूज करना है। तो ये यूज करेंगे तब क्या होगा, हमको हम लोग आग बुझा सकते हैं, बराबर किसी की जान बचा सकते हैं और इस परिसर की प्रॉपर्टी बचा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, और कौन है कर लो फटाफट रेडी, आ जाओगे एक बार आप लोग पकड़ना और निकालना अगर समझ गए तो आप कभी भी यूज कर सकते हो, समझ गए? अभी आपको पहले क्या करना है, निकालना है, बराबर दो पैरों के बीच में आपको डालना है लक्स, क्या बोलते हैं उसको, लक्स, ध्यान में रखो, लक्स को दोनों साइड से खींचना है और निकालने के बाद उसको आपको ज्वाइंट करना है। तो राइट हैंड में हमारा कहाँ पे ग्रीप है और यहाँ पे ब्रांच पाइप को आगे की तरफ पकड़ना और अंदर डालना, डाल दो, ओके रेडी, यस सर। और वापस आपको कैसे पकड़ना है, यहाँ पे बराबर ये पैर को आगे रख लो, दूसरा बंदा आ जाओ यहाँ पे, उसको सपोर्ट करो, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा प्रेशर है तो आप लोग आप आ जाओ, ये पाइप को पकड़ सकते हो, ये पाइप के पकड़ने से पकड़ के आपको उठा सकते हो, हाँ ये इस तरह से आप पकड़ोगे, जब भी आप प्रेशर दोगे तो क्या होगा, इनको थोड़ा तकलीफ कम होगा, आगे जो है उनको तकलीफ कम होगा, और ये पाइप इधर आप पकड़ के क्या करते हो, उसको वेट कम लगेगा, बराबर समझ गए? ठीक है, अभी निकाल दो उसको, और आ जाओ एक एक करके, आप आइए, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, ये ट्राई है। 40 सेकंड में कंप्लीट किया था, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जितेंद्र पाठारे करके, उसमें मैंने वो डाला है, आप देख सकते हो, लेडीज भी कर सकती है ये, बाद में इसको फोल्ड भी करना रहता है, बस हमको मालूमात होना चाहिए और हमको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, अभी आप कर लो, आप ये बता दो ये क्या है, ब्रांच पाइप, नोजल बोलते हैं, ब्रांच पाइप बोलते हैं उसको, उसके बाद में आपने जो हाथ में पकड़ा उसको फीमेल कपलिंग, बराबर ठीक है, हाँ पकड़ लो, और फिर बाद में हाथ डाल दो अंदर से यहाँ से और यहाँ पे ये कर लो, ठीक है रेडी, ये पोजीशन में आपको ये करना है, ये दो पैर के अंदर डालना है और लक्स को खींचना है, बराबर ओके, ढाई बजाओ, और आ जाओ सब लोग, आ जाओ एक एक करके आ जाओ सब लोग, सबको मालूम होना चाहिए, सब लोग बताओ, खुद बताओ तब आपको पता चलेगा क्या है, आपने हाथ में पकड़ा है फीमेल कपलिंग, कपलिंग एक साइड, राइट हैंड में मैंने पकड़ा है फीमेल कपलिंग और लेफ्ट हैंड में मैंने पकड़ा है ब्रांच पाइप, और मैं इसको इस तरह से, हमें पकड़ने के वक्त ऊपर से हाथ से पकड़ना है इस तरह से, और जकड़ लो अभी, समझ गए? अभी इसको ये करना कैसे, ये यही हाथ हमको ऐसे ही रखना है बराबर, और नीचे से हाथ डाल के यहाँ पे लाना है, नीचे से हाथ टाका आणि इकडे मनगडावर आना, मनगड 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 पकडायचा आहे खालून खालून इकडनं या हातून ये असं पकडलं, हे आत में टाका और इस तरह से पकड़ के हमको रेडी रहना है। ध्यान में रखो जब तक हम लोग पकड़ेंगे नहीं, हर शख्स सीखता नहीं है, जब तक वो सही ढंग से नहीं पकड़ता है, हमको उसको सिखाना है, प्रैक्टिस करवाना है, और फिर बाद में वो कभी भी आग लगती है तब उसके लिए वो खड़ा हो सकता है, बराबर yes, sir. क्योंकि क्या होता है जब आग लगती है तो हमको परफॉर्मेंस दिखाना रहता है, क्या दिखाना रहता है, परफॉर्मेंस दिखाना रहता है, अगर हम लोग परफॉर्मेंस दिखा देंगे तो ही हम लोग
आगे बढ़ सकते हैं। बराबर, ये नॉलेज हमें देखना है, ठीक है। इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से हमको खड़े रहना है, ठीक है। मारने के वक्त हमको प्रेशर रहेगा तो हमको बॉडी रोबस्ट यानी मजबूती की तरह हमको खड़े रहना है, ठीक है। ये पाइप हमेशा फोल्ड नहीं रहना चाहिए। अभी जो आपने फोल्ड हुआ है देखो, उसको लंबा करो। आपको लगता है कि कम जगह है तो उसको लंबा करो और उसको फोल्ड ये करो, सर्कल करो, सी टाइप करो, ताकि क्या होगा कि वो फोल्ड नहीं होगा तो पानी पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर वॉइसर नहीं होने के वजह से जब भी आप पानी छोड़ोगे तब क्या होगा, लीकेज होगा और हमें यहाँ पे पानी का फेस करना पड़ेगा। तो यह ध्यान में रखना है, चीजें अगर लगी हुई है मगर सही ढंग से है तो ठीक है, अगर सही ढंग से नहीं है तो ये काम की चीज नहीं है। सिर्फ एक वॉइसर से क्या होगा, लीकेज होगा, प्रेशर लीकेज होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा और हम एक करते समय फाइट करते समय दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। रेडी? यस सर। सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक ट्रेंड सुरक्षा रक्षक नहीं बन पाएंगे। समझ गए? ट्रेंड सुरक्षा रक्षक बनने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जल्दी आते हो 7:30 बजे, शाम को भी आओ, सुबह भी आओ, ये प्रैक्टिस करो, ये ओपन करो, इसको कैसे पकड़ना है, कैसे निकालना है, आगे बढ़ना है, फिर ब्रांच पाइप लगाना है, ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है वो हिसाब से आपको रेडी पोजिशन में रह के ये ड्राई में भी कर सकते हो। ड्राई में यानी पानी नहीं छोड़ना है, मगर यहाँ से दौड़ोगे, वहाँ से चाबी लगाओगे उस बॉक्स को, वो जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारा कैनवास पाइप रहता है, बराबर। ये कैनवास पाइप पे आप लोग वहाँ पे जाओगे, ओपन करोगे, कैनवास पाइप आपके हाथ में लोगे, पीछे की तरफ जो बंदा रहेगा वो क्या पकड़ेगा, मेल कपलिंग पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? मेल कपलिंग, जो फीमेल कपलिंग के अंदर उसको पुश करना है, फिर बाद में वॉल के सामने खड़ा रहना है, फिर बाद में ये जो आगे रहेगा वो क्या करेगा, वो आवाज देगा मैं रेडी हूँ, बराबर। वॉल ओपन करो, जब भी बोलेगा वॉल ओपन करो, ये पोजीशन में रहेगा और इसके पीछे भी आदमी रहेगा जो सपोर्ट करेगा, बराबर। ये ड्राइव प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर बाद में इसको क्या करेंगे आप, ओपन करो।